गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आया है एजुलाइकिट का एक रोजा लिंच, जो कि बहुत ही फेमस पात्र है विलियम शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी का। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोजा लिंच आखिरकार है कौन। तो रोजा लिंच जो है कि रोमांटिक जो कॉमेडी एजुलाइकिट, जो कि विलियम शेक्सपियर की बहुत ही वर्ल्ड फेमस कॉमेडी है, उसका एक मुख्य पात्र है। सो लॉन्ग एज सी इज एट द कोर्ट ऑफ हर अ स्प्रिंग अंकल, जैसे कि वो अपने अंकल अपने चाचा के घर रहती थी, हर रियल सेल्फ रिमेन्स अ बिट कंसील्ड, बट एज सून एज सी कम्स आउट ऑफ इट हर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स फॉर एंड वाइड। यानी जब तक वो अपने अंकल जो फ्रेडरिक के घर रहती है, तब तक तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज जो छुपी रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके कोर्ट से, उनके दरबार से बाहर निकलती है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ जाती है, तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज की खुशबू जो होती है वो चारों तरफ फैलने, दूर दूर तक फैलने लगती है। तो देखिए सबसे पहले उसकी क्वालिटी क्या है, वो है रोजा लिंट हर वोमेन लीडर्स, यानी नारीत्व। रोजा लिंट डिस्गाइसेस हरसेल्फ एज ए मेल सेफर नेम गैनवेट, बट द ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ हर बॉडी अट्रैक्ट एवरीबडी इन द फॉरेस्ट, इवन द साइनिकल जैक्स। तो देखिए क्या है कि जो रोजा लिंट है वो जब घर से बाहर जाती है, यानी जब अपने अंकल के दरबार से बाहर जाती है, तो एक, क्योंकि उस वक्त लड़कियों का बाहर जाना बहुत पॉसिबल नहीं था, अच्छा नहीं माना जाता, तो वो एक लड़के जो कि एक सेफर्ड गरड़िया है, और जब उसने अपना नाम है गैनवेट, उस नाम के आधार एक गरड़िया बन करके वो बाहर निकलती है। लेकिन उसकी जो सुंदरता होती है, कि उसकी जो शान होती है, वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है, इन द फॉरेस्ट जब वो जंगल चली जाती है, इवन द साइनिकल जैक्स, जो कि एक मतलब कि जैक्स है, हू हैपेंस टू सी हर फॉल्स, जो भी उसे देखता है फॉल्स इन लव, उसे प्यार करने लगता है। यानी लड़की के भेस में भी उसका जो नारीत्व, उसकी जो सुंदरता है ना, वो फिर भी लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करती है। सी कैन नॉट फॉरगेट सी कैन नॉट फॉर ए मोमेंट फॉरगेट द वोमेन इन हर, वो एक मिनट के लिए नहीं भूल सकती कि वो एक नारी नहीं है। When she comes to know of the wound made on Orlando's person, why the loneliness he liked a woman soon at once, thus she never ignores her womanliness even in that disguise of a boy. यानी वो लड़की की ग्रेस है, जब उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो के घाव के बारे में, जो कि एक सेडनी के द्वारा उसको लग गए थे, तो वो एक वोमेन की तरह मूर्छित हो जाती है। यानी यहाँ पे भी हमें उसके नारीत्व का पता चलता है कि बेशक वो लड़की के भेष में, लेकिन फिर भी जो नारीत्व का जो गुण है वो आज भी उसके पास मौजूद है, इवन यहाँ तक कि लड़की के भेष में भी है। एन इमेज ऑफ लव, देखिए उसकी एक प्यार की इमेज भी है। तो रोजा लिंट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फाइनेंस रोमांटिक हीरोइंस क्रिएटेड बाई शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा जितने भी हीरोइंस क्रिएटेड की गई है, उनमें से एक उसी ग्रुप में से ही शामिल है। दे आर नॉट ओनली रोजी इन ब्यूटी, वो केवल ब्यूटीफुल ही नहीं है, बट ऑल्सो एन इमेज ऑफ लव, बल्कि वो एक उसकी इमेज, प्यार की भी इमेज बनी हुई है। शी इज मैडली इन लव विद ऑरलैंडो फ्रॉम द मोमेंट शी सेट्स हर आईज ऑन हिम, वे पागल है प्यार में ऑरलैंडो के, क्योंकि वो उसी क्षण से जब से उसकी आंखों ने उसको देखा है, लव एट फर्स्ट साइट जिसे बोलते हैं, तब से उसे प्यार करने लगी है। व्हेन सी कम्स टू नो दैट ऑरलैंडो इज गोइंग टू हैव अ कॉम्पैक्ट विद चार्ल्स, जब उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो कॉम्पैक्ट, यानी जो मल्ल युद्ध होता है उसमें भाग लेने जा रहा है, तो शी इज एंड सी एज ए ट्रू लवर इज मच कंसर्न अबाउट हिज वेलफेयर, तो एक सच्ची प्रेमी की भांति वो उसकी प्रति चिंता करने लगती है। एंड प्रेज नॉट टू टेक दिस रिस्क, और उसको प्रार्थना भी करती है वो इस रिस्क को ना ले। शी आल्सो प्रॉमिसेस टू गो टू द ड्यूक ट्राइंग टू रेस्लिंग नॉट टू गो फॉरवर्ड, वो यहाँ तक कि ड्यूक से प्रार्थना भी करती है कि वो इस मल युद्ध को ना करवाए, रोक दे। इट इज़ हर ट्रू लव टू बार्स हिम दैट शी हार्डली विशेज हर लिटिल स्टेन टू बी विद ऑरलैंडो, ये उसका प्यार है जिसके वो इच्छा करती है कि वो ऑरलैंडो के साथ मौजूद है। इक्वली डज शी लव सिल्विया, देखिए वह सिल्विया से नहीं प्यार करती जितना सिल्विया से, क्योंकि इनका नहीं, ये दोनों बहनें हैं लेकिन बहुत अच्छी दोस्त हैं, और इन दोनों बहनों में बहुत अच्छा प्यार है। तो सिल्विया फादर स्नैचेस एवरीथिंग फ्रॉम हर, सिल्विया के फादर ने सब कुछ इससे छीन लिया है, क्वाइट इलीगली धोखे से। येट फॉर इट शी डज नॉट लव कजिन द लेस, लेकिन वो फिर भी सिल्विया को उसके फादर की वजह से ऐसा नहीं कि कम प्यार करती, बल्कि वो उतना ही प्यार करती है। नेवर टू लेडीज लव एज दे डू, कभी भी दो स्त्रियों में इतना प्यार दिखाई नहीं देता जितना कि ये दोनों करती हैं। हर सौदो एट द वेनिसमेंट ऑफ हर फादर मे बी इमेजिन, बट टू प्लीज सिल्विया सी डज नॉट लैग बिहाइंड इन पुटिंग ऑन ए गे फेस, तो देखिए वो दुख है कि उसके फादर को देश निकाला दे दिया गया उसके अंकल ने, लेकिन वो फिर भी सिल्विया से उसका
प्रेम वो कभी कम नहीं होता और ना ही वो कभी सीलिया की वजह से उसकी वजह से अपने चेहरे पर उस दुख को प्रदर्शित करती है। शी ऑलवेज लाइक सीलिया टू रिमेन हैप्पी, मैं हमेशा कोशिश करती है कि सीलिया हमेशा खुश रहे। बोथ ऑफ दैम इन द सीक्रेट वे गो टू द फॉरेस्ट। सीलिया इज वेरी मच टायर्ड एज इज एवरीबडी। रोजालिंड सूट्स हर केयरिंग लिटिल अबाउट हर ओन वियरीनेस। यानी दोनों ही जो है लड़की के बीच में जंगल में जाती हैं और सीलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, थक जाती है जैसे घर व्यक्ति होता है, लेकिन रोजालिंड उसकी केयर करती है और बाद में उसके प्रति काफ़ी चिंतित भी रहती है। यानी कोशिश सीलिया से रोजालिंड का इतना अटूट प्रेम है कि वो परेशानी में भी कभी भी, बेशक खुद भी परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी को छिपा कर सीलिया को कम्फर्ट करने की कोशिश करती है। क्लेवर माइंड एंड क्रिएटिविटी, देखिए ये भी उसकी दो विशेषताएं। लेकिन रोजालिंड बहुत ही क्लेवर माइंड है। हर माइंड थिंक्स एज रैपिडली एज हर हार्ट बीट। जितना दिल उसका महसूस करता है उससे कहीं ज़्यादा तेज उसका दिमाग चलता है। सी जंप्स फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर विद एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। वो बहुत ही एक विषय से दूसरी विषय पर बहुत जल्दी जंप कर जाती है बहुत ही एक्सीलेंस के साथ। ट्रूली यू शैल नेवर टेक हर विदाउट एन आंसर। आप उसे कभी भी ऐसा नहीं पाएंगे कि वो आपने कुछ पूछा उसने कभी जवाब ना दिया हो। अनलेस यू टेक हर विदाउट हर टंग। जब तक कि मतलब उसकी जो टंग है वो कभी हमें कह सकते हैं शांति नहीं देती, वो हमेशा बिल्कुल हाजिर जवाब है, तुरंत ही वो जवाब देती है। रोजालिंड ऑलवेज रिमेन्स रेडी टू रिप्लाई फॉर एवरीवन। रिटमेंट तो रोजालिंड जो हमेशा तैयार रहती है हर व्यक्ति के को रिप्लाई करने के लिए। ड्यूक द मेलनकली जैक्स सिविलियस फीबी एंड टचिस्टो। चाहे वो ड्यूक हो, मेलनकली हो, जैक्स हो, सिलियस हो, फीबी हो, टचिस्टोन हो, कोई भी हो एक्सट्राइटर। हर विट इम्प्रेसेस एवरीबडी इवन हर फादर ड्यूक फ्रेंड। कहते हैं कि उसके फादर भी होते हैं वो उसकी रेली विट से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। हर करेज, वो एक साहसी लड़की भी है। एज हैज़ ऑलरेडी बीन सेड रोजालिंड इज ग्रेसफुल ब्यूटीफुल एंड लवेबल। जैसे कि हम बता चुके हैं कि रोजालिंड ग्रेसफुल भी, शांत भी, ब्यूटीफुल भी और लवेबल प्रेमी प्यार करने वाली भी है। बट साइड बाई साइड शी इज़ फुल ऑफ करेज एज वेल। देखिए इसी के साथ साथ वो करेज से भरी हुई भी है। हर वोमेनलीनेस इज नॉट शीयर वीक एट टाइम्स। उसकी जो नारी तत्व है वो कभी हमेशा कमजोर नहीं होती। इट इज़ मेनली बल्कि ये मनुष्य की तरह है, यानी वो मेल की तरह पावरफुल है। ड्यूक फ्रेडरिक हर अंकल हैज स्नैच्ड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर। ड्यूक फ्रेडरिक जो कि उसके अंकल हैं उन्होंने उसने उन उसके फादर की सारी संपत्ति को हड़प लिया। एंड आस्क्ड हर टू लीव द कोर्ट एज सून एज पॉसिबल और शी शुड बी पुट टू डेथ। और उसके चाचा ने उसको देश निकाला भी, कहते कि तुम इस कोर्ट को छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। रोजालिंड थॉट हैज गॉट नोबडी टू बी हर साइड। रोजालिंड अकेली होती है, कोई भी उसकी तरफ नहीं होता। इज नॉट सब्जेक्ट टू इज जो उसकी फेवर करे। शी डज नॉट क्राई लाइक ए वोमैन बट बोल्डली आस्क्ड हर अंकल द रीज़न ऑफ हर पेरेंट्स। बल्कि वो हिम्मत से खड़ी होती है और पूछती है अपने अंकल से उसकी बाहर निकलने का रीज़न क्या है। तो देखिए कन्फ्यूज, तो टू सम अप, तो देखिए हम लास्ट में कह सकते हैं कि रोजालिंड पजेसेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए हीरोइन। कि रोजालिंड में वो सभी गुण है जो एक हीरोइन में होने चाहिए। शी इज़ बेटर पोर्ट्रेट देन हर एनी ऑफ हर सिस्टर बॉयला ओलिविया बीट्रिक फैब्रिक। ये जितने भी कैरेक्टर हैं, ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं। इन सब में से कहीं अच्छे तरीके से जो चित्रित किया गया वो रोजालिंड के कैरेक्टर को किया गया है। इन एनी वन क्वालिटी, किसी भी एक क्वालिटी में नो डाउट ईच वन ऑफ देम वी एक्सेल आर हीरोइन। कि किसी ऐसा नहीं कि इन ये सारी जो क्वालिटीज हैं किसी और हीरोइन पर सारी की सारी, ऐसा नहीं चाहता था ये सारी क्वालिटी रोजालिंड पर पाई जाती हैं। बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी हैज गॉट सो मैनी क्वालिटी एट वन प्लेस एज सी डज। इतनी सारी क्वालिटीज जितनी रोजालिंड है इतनी एक साथ क्वालिटीज किसी भी हीरोइन में नहीं पाई गई। डॉक्टर बीट्रिक्स एंथस्टिकली कॉल्स हर द एम्प्रेस ऑफ द क्यूज ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। बल्कि जो डॉक्टर बीट्रिक हैं वो हमेशा इसको रोजालिंड को बुलाते हैं कि वो शेक्सपियर की कॉमेडीज की क्या है, क्यों क्यों उनको एम्प्रेस है, एक कहते हैं ना एक रानी है, क्यों ऑफ द क्यों ना पा लीजिए। इवन एज गैनविट शी वाज चार्मिंग क्यूरियल टू प्राउड फीबी। यहाँ तक कि जो बहुत ही घमंडी फीबी है उसको भी वे एक लड़की के भेस में होने के बावजूद भी उसको अटैक करती है। नो वंडर फीबी रोट इन हर लेटर। कोई हमें आश्चर्य नहीं होता जब फीबी लेटर में ये शब्द लिखता है, आर दाउ गॉड टू सफर टर्न। तुम गॉड हो, तुम गॉड की तरह लगती हो, सफर टर्न, तुम कहाँ तुम टर्न हो गई होती। दी मैडम हर्ट्स हेड पर्ट, यानी उसका दिल भी जलने लगता है। यानी उसका वो सैफर है वो एक लड़का है, लेकिन जो फीबी वो भी एक लड़का, लेकिन उसके बावजूद उसका दिल उसे प्रेम करने लगता है।
तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको रोजालिंड का कैरेक्टर पसंद आ गया हो। तो प्लीज़ पसंद को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।